वहीं खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर मोहंडो नदी में अवैध खनन को लेकर घाट क्षेत्र के श्रमिक हुए लामबंद, धरने की चेतावनी। मोहंडो नदी में अवैध खनन के खिलाफ घाट क्षेत्र के श्रमिक हुए लामबंद, धरने की चेतावनी। अवैध खनन को लेकर बुग्गावाला क्षेत्र के बंजारेवाला के ग्रामीण और घाट क्षेत्र श्रमिक कल्याणकारी समिति लामबंद हो चुकी है। उनका कहना है कि हमारे गांव बंजारेवाला के निकट रात के अंधेरे में नदी के बीचों बीच रास्तों को खुर्द बुर्द करते हुए बड़े पैमाने पर जेसीबी व एचएम के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने मां भगवती स्टोन क्रेशर पर आरोप लगाते हुए बताया कि कई बार रात को इस क्रेशर के ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी और एचएम को आकर हमने नदी में अवैध खनन करने से रोका और पुलिस को सूचना दी, बावजूद उसके वह क्रेशर संचालक बदस्तूर नदी के बीचों बीच अवैध खनन करता रहा। उनका कहना है कि हमने अवैध खनन की तहरीर थाने में भी दी और एक पत्र मुख्यमंत्री को भी दिया, उसके बाद भी इस क्रेशर संचालक ने अवैध खनन नहीं रोका, तो हमने विवश होकर यह धरना करना पड़ा और आगे भी अगर शासन प्रशासन इस अवैध खनन को रुकवाने में बोना साबित होता है तो हम सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वाले के रहने वाले हैं जी, और हमारे पास में मोहंडो नदी है, इसमें अवैध खनन चलता है। माँ भगवती स्टोन क्रशर के मालिक हैं, अगर रोकते हैं तो गोली मारने की धमकी भी देते हैं और जबरदस्ती कहते हैं, बोलते हैं हमने सब जो जो तरह से बनता हो कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम पुलिस को शिकायत करते हैं, उसमें भी हम पुलिस को पकड़ बुलाए यहाँ से, ले गया एचएम जेसीबी ट्रैक्टर पकड़ के इनके, उनको कोई कार्रवाई नहीं करी, कानून कार्रवाई नहीं करी, थाने में चलेगा था एचएम जी, छोड़ दिया ऐसे ही। आप रिकॉर्ड कंगाल कर देख लो, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन चारों पांचों साधनों पर, और विरोध करें तो जबरदस्ती गोली मारने की धमकी देते हैं। अब क्या चाहते हैं ग्रामीण? हमें चाहते हैं खनन बंद करो, बंद करो बिल्कुल।